Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7. इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिसको TCS के पैटर्न को ध्यान में रख के फ्रेम किया गया है. तो आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कराइएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहता है कि 3 आइडेंटिकल रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन स्टार कंज्यूम 4 किलोवाट पावर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस बैलेंस 3-phase सप्लाई. व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम इफ द 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सप्लाई. और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि 3 आइडेंटिकल रेसिस्टर जो कि स्टार में कनेक्टेड हैं, 4 किलोवाट पावर को कंज्यूम कर रहे हैं. यदि हम इन्हीं तीनों रेसिस्टर को डेल्टा में कनेक्ट कर दें तो सेम सप्लाई से कनेक्ट होने पे यह कितना पावर कंज्यूम करेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि पावर इन डेल्टा विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पावर इन स्टार. यानी कि स्टार में पावर गिवन है 4 किलोवाट, तो डेल्टा कनेक्शन में जो पावर होगा वो होगा 3 × 4 किलोवाट, यानी कि 12 किलोवाट. तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन डी में गिवन है 12 किलोवाट, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. यह कहता है कि 2 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय अ 3-phase लोड एट 0.5 पावर फैक्टर लैगिंग. द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड As indicated by the 2 watt meters is 30 kilowatt. Then we have to find the individual watt meter readings. तो आप इसको सॉल्व करिए. जब लोड का पावर फैक्टर 0.5 हो तो 2 वॉट मीटर में से 1 वॉट मीटर की रीडिंग होती है 0 वॉट और दूसरे वॉट मीटर टोटल 3-phase पावर को रीड करते हैं. तो यदि मैं कहूं कि वॉट मीटर 1 रीड कर रहा है 0 वॉट, तो दूसरा जो वॉट मीटर होगा वो रीड करेगा टोटल 3-phase पावर. ओके, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द 3-phase लोड इज 30 किलोवाट, यानी कि जो 3-phase पावर है वो है 30 किलोवाट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 वॉट मीटर में से कोई एक 0 वॉट रीड करेगा तो दूसरा कोई वॉट मीटर 30 किलोवाट रीड करेगा. तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए. ऑप्शन डी में गिवन है वॉट मीटर 1 रीड करता है 30 किलोवाट और दूसरा वॉट मीटर रीड करता है 0 वॉट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन. और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी में गिवन है फ्यूल सेल, ऑप्शन सी में गिवन है विंड पावर प्लांट और ऑप्शन डी में गिवन है थर्मल पावर प्लांट. तो हमारा आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. यह कहता है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी में गिवन है ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन सी में गिवन है इंडक्टेंस और ऑप्शन डी में गिवन है कंडक्टिविटी. तो हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो बताना है कि इनमें से क्या होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ससेप्टिबिलिटी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. यह कहता है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर इम्पोर्टेंट शॉपिंग सेंटर्स एंड रोड जंक्शंस. और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है 20 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में गिवन है 30 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में गिवन है 10 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी में गिवन है 4 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. यह कहता है कि फॉर अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द पैरामीटर ए इज व्हाट. और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है इक्वल टू बी, ऑप्शन बी में गिवन है इक्वल टू डी, ऑप्शन सी में गिवन है फुल पिच और ऑप्शन डी में गिवन है क्वार्टर पिच. तो इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन पैरामीटर ए विल बी इक्वल टू डी. यदि इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछा होता तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में भी ए विल बी इक्वल टू डी होता है और इसके साथ ही ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं. ओके,
तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन बी में गिवन है इक्वल टू डी, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यह कहता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्लाइटली विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में गिवन है मोर देन 2, ऑप्शन बी में गिवन है मोर देन 1, ऑप्शन सी में गिवन है लेस देन यूनिटी, और ऑप्शन डी में गिवन है मोर देन 5। तो इसका आंसर होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है कि मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर्स आर वाइडली यूज्ड टू ऑब्टेन स्टेप साइज इन द रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 2 डिग्री टू 15 डिग्री, ऑप्शन बी में गिवन है 45 डिग्री टू 60 डिग्री, ऑप्शन सी में गिवन है 15 डिग्री टू 30 डिग्री, ऑप्शन डी में गिवन है 25 डिग्री टू 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 डिग्री टू 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। यह कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज एन इम्प्योरिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में गिवन है कोरेसिव फोर्स, ऑप्शन बी में गिवन है रेसिस्टिविटी, ऑप्शन सी में गिवन है परमिएबिलिटी, और ऑप्शन डी में गिवन है रिटेंटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमिएबिलिटी, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यह कहता है कि पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोड, और हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में गिवन है नो लोड, ऑप्शन बी में गिवन है 50% ऑफ फुल लोड, ऑप्शन सी में गिवन है 70% ऑफ फुल लोड, और ऑप्शन डी में गिवन है नियरली फुल लोड। तो इस क्वेश्चन में पावर ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नियरली फुल लोड। यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा होता तो इसका आंसर होता नियरली 70% ऑफ फुल लोड। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यह कहता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी यूज्ड बाय अ बैटरी इफ द बैटरी हैज टू डिराइव 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 15 जूल, ऑप्शन बी में गिवन है 20 जूल, ऑप्शन सी में गिवन है 10 जूल, और ऑप्शन डी में गिवन है 5 जूल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, मैं कांस्टेंट पावर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें वोल्टेज की वैल्यू तो गिवन है लेकिन करंट और टाइम मिसिंग है, तो इसके लिए आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, के लिए आप लिख सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि Q डिवाइडेड बाय T, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, ये वाला टाइम। ओके, तो यहां से टाइम और टाइम कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला वोल्टेज इनटू चार्ज। तो अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि बैटरी ड्राइव करता है 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो आप इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, वही होगा हमारा टोटल चार्ज क्यू को फाइंड आउट करने के बाद आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई करिएगा, जो कि इस क्वेश्चन में 20 वोल्ट गिवन है, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एनर्जी की वैल्यू आएगी 20 जूल, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यह कहता है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ टू वायर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल आर 25 ohms एंड 6 ohms रेस्पेक्टिवली, द रेसिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स आर व्हाट, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक रेसिस्टेंस को एज्यूम करो R1 और दूसरा रेसिस्टेंस हमारा होगा R2, तो R1 प्लस R2 गिवन है 25 ohm, जबकि इन दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पर वैल्यू गिवन है 6 ohm। तो इसका मतलब R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दिस विल बी इक्वल टू 6 ohm। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 10 ohm एंड 15 ohm, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यह कहता है कि हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है लोड फ्लक्चुएशंस, ऑप्शन बी में गिवन है ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी में गिवन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ऑप्शन डी में गिवन है मैकेनिकल वाइब्रेशंस। तो हमें बताना है कि इन चारों में किसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर में हमिंग साउंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यह कहता है कि शंट कॉम्पेंसेशन इन एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज रिसोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी में गिवन है रिड्यूस फॉल्ट लेवल, ऑप्शन सी में गिवन है इम्प्रूव वोल्टेज प्रोफाइल, और ऑप्शन डी में गिवन है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्रूव वोल्टेज प्रोफाइल, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यह कहता है कि एन एसी सर्वो मोटर इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोटर। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है सिंगल फेज मोटर, ऑप्शन बी में गिवन है टू फेज मोटर, ऑप्शन सी में गिवन है थ्री फेज मोटर, और ऑप्शन डी में गिवन है कैन बी एनी ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू फेज मोटर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एसी सर्वो मोटर के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने दिया है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर वाले चैप्टर में, तो प्लेलिस्ट से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यह कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइंस इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है डिक्रीजेस द इंडक्टेंस, ऑप्शन बी में गिवन है इंक्रीजेस द इंडक्टेंस, ऑप्शन सी में गिवन है इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, और ऑप्शन डी में गिवन है डिक्रीजेस द कैपेसिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यह कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेसिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशंस। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 1 ओम, ऑप्शन बी में गिवन है 0.5 ओम, ऑप्शन सी में गिवन है 2 ओम, और ऑप्शन डी में गिवन है 5 ओम। तो हमें बताना है लार्ज पावर स्टेशन के अर्थिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू। तो इन केस ऑफ लार्ज पावर स्टेशन अर्थिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.5 ओम, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यह कहता है कि हु इन्वेंटेड द अल्टरनेटिंग करंट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है टेस्ला, ऑप्शन बी में गिवन है एडिशन, ऑप्शन सी में गिवन है फैराडे, और ऑप्शन डी में गिवन है मैक्सवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ला। इनका पूरा नाम है निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यह कहता है कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स फैंस एंड सॉकेट्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो हमें बताना है कि वन सब सर्किट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 10। यदि आपसे मैक्सिमम पावर पूछा होता तो पावर के लिए आंसर होगा 800 वॉट। ओके, तो आप इसे भी याद रखिए। यदि आपसे ISI का फुल फॉर्म पूछा होता तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप लोग ISI का मार्क भी देखे होंगे किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि ISI मार्क इंश्योर्स दैट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिसके सारे स्पेसिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड से मैच करते हों, उन्हीं प्रोडक्ट को ISI मार्क दिया जाता है। और ये इफेक्टिव है, इफेक्टिव सिंस 1955। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यह कहता है कि हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन अ पावर सर्किट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है 2। तो हमें बताना है कि एक पावर सर्किट में कितने आउटलेट्स परमिटेड होते हैं। तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम 2 आउटलेट्स, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।